जो समझने वाले हैं वो सैमसंग के मोबाइल फोन के बारे में बताने वाले हैं। आज मैं दो चीजों के बारे में बताऊंगा, सैमसंग के बारे में बताऊंगा और नोकिया के बारे में बताऊंगा। यदि हमारे पास कोई भी सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये बेसिकली कीपैड मोबाइल फोन का तरीका है, एंड्रॉइड का तरीका अभी इसके आगे आएगा, ठीक है। यदि हमारे पास सैमसंग का कोई भी मोबाइल फोन आता है, इस सैमसंग सेट के अंदर यदि आपको चार्जिंग का सर्किट चेक करना है, इसका चेक करना है, सैमसंग मोबाइल फोन के अंदर हम लोग चार्जिंग का सर्किट चेक करेंगे तो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है। सैमसंग के जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उसमें चार्जिंग से संबंधित चार पांच तरीके की प्रॉब्लम आती है। पहली समस्या आती है या तो चार्जिंग बिल्कुल नहीं होती, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है जब आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो उसमें से चार्जिंग पॉज, चार्जिंग एरर या चार्जिंग नॉट कनेक्टेड ऐसा कुछ मैसेज लिख करके बंद हो जाता है। या तीसरी प्रॉब्लम आती है मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं, चार्जिंग तो होती रहती है लेकिन बैटरी भरने का नाम नहीं लेती, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कुल मिलाकर के चार्जिंग से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसको जो चेक करने का तरीका हम लोग जानेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग सोल्यूशन। तो हम लोग जो टॉपिक आज समझने वाले हैं सैमसंग के बारे में समझने वाले हैं। सैमसंग के जितने भी हैंडसेट आते हैं उसमें से दो तरीके के कनेक्टिविटी यूज करी जाती है। एक तो पहला तरीका होता था जो पुराने फोन में आता था, किसमें आता था? पुराने फोन में आता था, जैसे M600 वगैरह ऐसा पुराना मोबाइल फोन आता था जिसमें 20 पिन का चार्जिंग कनेक्टर यूज होता था, चौड़ा वाला। अब जो नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, नए मोबाइल फोन में 7 पिन का कनेक्टर यूज हो रहा है। कितने पिन का कनेक्टर यूज हो रहा है? 7 पिन का कनेक्टर यूज हो रहा है। तो हम लोग 20 पिन का भी तरीका समझेंगे और 7 पिन का भी तरीका समझेंगे। देखो सर, सैमसंग के जितने भी नए मोबाइल फोन पाए जा रहे हैं, सैमसंग के जितने भी नए हैंडसेट आ रहे हैं, उस नए हैंडसेट में यदि चार्जिंग की समस्या आती है, नए हैंडसेट में चार्जिंग के लिए क्या होता है, हमारे मोबाइल फोन में दो तरीके के जैक का उपयोग किया जाता है। कितने तरीके का जैक का उपयोग किया जाता है? दो तरीके का। एक तो पहला जैक जो होता है, ये वाला जैक जो पाया जाता है, ये तुम्हारा 20 पिन का होता है। कितने पिन का होता है? अब जो नए मोबाइल फोन आ रहे हैं उसमें से 7 पिन का जैक आ रहा है। कितने पिन का आ रहा है? 7 पिन का। जो 20 पिन का जैक होता है, 20 पिन के जैक में क्या होता है, पहली दूसरी यानी जो फर्स्ट नंबर की जो पिन होती है, पहली और दूसरी, ये तुम्हारी प्लस होती है और ये 19-20 पिन क्या होती है, माइनस होती है, ग्राउंड होती है। और ये जो 7 पिन का जैक लगा होता है, 7 पिन के जैक में क्या होता है, दो नंबर की पिन क्या होती है, प्लस होती है और 6 नंबर की पिन क्या होती है, माइनस होती है। 7 पिन के जैक पे आ जाता है। तो सबसे पहली बात, ये जैक के तुम्हारे प्लस माइनस है, प्लस माइनस सप्लाई निकलती है, यहाँ के डायोड कैपेसिटर लगा होता है, डायोड कैपेसिटर सप्लाई होते हुए आईसी की तुम्हारी चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 1 पर पहुंचती है। जी, जब चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 1 पर पहुंच जाती है तो पिन नंबर 1 पर पहुंचने के बाद फिर यही सप्लाई पिन नंबर 10 से आउटपुट होती है और LVR और VBAT से होते हुए ये तुम्हारी सप्लाई पहुंच जाती है बैटरी कनेक्टर के प्लस पर, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है। BSI की लाइन जो होती है CPU पावर आईसी से कनेक्ट होती है, जिससे आपका मोबाइल फोन ऑन होता है या आपके टेम्परेचर चार्जिंग की पिन जो होती है उन चीज को क्या करता है, सेंस करता है। तो ये मैंने तुमको चार्जिंग का सर्किट मैंने आपको ड्रा किया हुआ है, एक बार इस चार्जिंग सर्किट को आप लोग बना लीजिए, बनाने के बाद फिर मैं आपको तुमको अच्छे से पूरा समझाता हूँ। बना लिया सबने? दबोदर, ये हमारे पास जैसे सैमसंग कंपनी का कोई भी मोबाइल फोन आता है, कोई भी सैमसंग कंपनी का फोन आता है, और सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन यदि समस्या आती है कि मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही है? चार्जिंग नहीं हो रही, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी चार्ज स्टोर नहीं हो रही, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहला काम क्या करना, उस मोबाइल फोन का पहला काम आपको ये करना, पहले तो बैटरी को देखना है। क्या देखना है? बैटरी उसकी डाउन तो नहीं है, बैटरी फुल तो नहीं गई है, बैटरी खराब तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है, बैटरी को चेक करो। बैटरी सेट को चालू होने के लिए, सेट को चलने के लिए हमारी बैटरी कितना होना चाहिए? 3.7 वोल्ट चार्ज होना चाहिए। अगर हमारे मोबाइल फोन की बैटरी 3.7 वोल्ट चार्ज होगी तभी हमारा मोबाइल फोन चलेगा, नहीं तो हमारा मोबाइल फोन नहीं चलेगा। तो हैंडसेट को ऑन होने के लिए, मोबाइल फोन को काम करने के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए? 3.7। अगर 3.7 वोल्टेज होता है तो हमारा मोबाइल फोन काम करेगा। तो सबसे पहली बार बैटरी चार्ज होनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज नहीं है तो आप मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज कर लें, उसके बाद मोबाइल फोन खोलें। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक और बैटरी कनेक्टर को साफ करना है। पहला काम, प्राइमरी काम क्या करना है? चार्जिंग जैक, जो मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग जैक उसको साफ करना है, बैटरी कनेक्टर को साफ करना है।
फिर भी दिक्कत आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, मोबाइल फोन में यहाँ पर चार्जर लगा देना है। क्या करना है? चार्जर लगा देना है। यहाँ पर चार्जर लगा देंगे, चार्जिंग जैक में चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर 5 वोल्ट करंट आएगा। कितना आएगा? चार्जर लगा के चेक करेंगे तो चार्जर लगा के चेक करने पर यहाँ पर कितना वोल्ट करंट आएगा? 5 वोल्ट करंट आएगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आता है तो 5 वोल्ट करंट आने का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग जैक सही है। हाँ, सभी जितना भी मोबाइल फोन आता है सब में वोल्टेज समान आते हैं। तो चार्जर लगा के जब चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर कितना वोल्टेज करंट आएगा? 5 वोल्ट करंट आएगा। अगर 5 वोल्ट करंट आता है तो इसका मतलब होता है हमारा चार्जिंग जैक सही है। अगर 5 वोल्ट करंट नहीं आता तो इसका मतलब चार्जिंग जैक खराब है। तो चार्जर लगा करके हम लोग यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट पिन में चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट करंट मिलेगा, जैक सही है। अगर जैक सही है तो आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होने चाहिए। अगर आपने मोबाइल फोन में जैक नया डाल दिया, जैक नया डालने के बाद भी चार्जिंग नहीं हो रही है, अब आप इसका लाइन चेक करेंगे, इसके माइनस वाली पिन में चेक करेंगे तो बीप आएगी, और इसके प्लस वाली पिन में चेक करेंगे तो क्या आएगी? वैल्यू आएगी। माइनस वाली पिन में चेक करने पर क्या आएगी? बीप आएगी। प्लस वाली पिन में चेक करने पर क्या आएगी? वैल्यू आएगी। अगर माइनस वाली पिन में चेक करने पर बीप आती है तो इसका मतलब माइनस का लाइन सही है। जब माइनस का लाइन सही है तो माइनस को उठा करके आप ग्राउंड पे क्या कर सकते हो? जम्पर मार सकते हो। माइनस की पिन पे बीप ना है तो माइनस को उठा कर ग्राउंड पे जम्पर मार सकते हो। प्लस में चेक करेंगे तो प्लस में चेक करने पर क्या आएगा? वैल्यू आएगा। अगर प्लस में चेक करने पर वैल्यू नहीं आता तो प्लस से उठाएंगे जम्पर। कहां से उठाएंगे जम्पर? प्लस से। प्लस से उठाने के बाद प्लस के लाइन में एक डायोड लगा होता है। क्या लगा होता है? डायोड लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। तो प्लस से उठा के जम्पर जो डायोड की वैल्यू वाली साइड पिन है, प्लस वाली साइड पिन है, डायोड में चेक करेंगे तो एक तरफ से चेक करने पर बीप आएगा, एक तरफ से चेक करने पर वैल्यू आएगा। क्योंकि जो डायोड होता है ये हमारा पैरेलल पोजीशन में लगा होता है। पैरेलल का मतलब होता है इसमें एक तरफ का हिस्सा टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल माइनस होता है। तो माइनस वाले को छोड़ दीजिए, आप इसके प्लस वाली से उठा करके इसे प्लस वाली साइड में क्या करेंगे? जम्पर मारेंगे। जैसे जम्पर मारेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, फिर आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग चलना चालू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर आप इसे चार्जिंग जैक के आगे देखेंगे तो 2 पिन का डायोड होता है। कितने पिन का डायोड होता है? 2 पिन का डायोड, थोड़ा सा मोटा साइज में होता है। जो मोटा सा साइज में होता है वो 5 वोल्ट का होता है। तो 5 वोल्ट चार्जिंग में ही चलता है। ये आप इसी के पास में लगा हुआ देख पाएंगे, इसी के पास में लगा हुआ मिलेगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप चाहेंगे तो इससे यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से बीप भी आएगा। बीप आने से ये पता चल जाएगा इससे ट्रैक का ये डायोड है। या मान लिया प्रिंट उखड़ गया तब तो बीप नहीं आएगा। लेकिन जो मोटा सा डायोड है वो तुम्हारा मोस्टली ज्यादातर 99% वो चार्जिंग के में ही लगा होता है। तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, बीप आएगी तरफ वैल्यू आएगी। तो प्लस वाले पे जम्पर मार देंगे, कैपेसिटर मार देंगे, या तो आईसी के पिन नंबर 1 पे सप्लाई जोड़ देंगे, या आईसी के पास में जो कैपेसिटर लगा है आप वहां पर भी जम्पर मार देंगे, जिससे आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की ये इनपुट सप्लाई 5 वोल्ट करंट इनपुट जो होता है वो तुम्हारे चार्जिंग आईसी पर आ जाएगा। जब चार्जिंग आईसी पर 5 वोल्ट करंट आ जाएगा तो चार्जिंग आईसी अपने पास जो 5 वोल्ट आ रहा है उस 5 वोल्ट को लेगी, और 5 वोल्ट को लेने के बाद 4 वोल्ट करके आउटपुट करेगी, जिससे वो वोल्टेज तुम्हारा बैटरी में चला जाएगा और बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी मोबाइल फोन में सेम है, मतलब आपने इनपुट भी चेक कर लिया आउटपुट भी चेक कर लिया, इनपुट आउटपुट दोनों सही है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके बैटरी कनेक्टर का जो BSI लाइन होता है, इस BSI लाइन को चेक करेंगे। BSI लाइन को ये चेक करेंगे कि BSI लाइन में चेक करने पर यहाँ पर क्या आता है? वैल्यू आते हैं। क्या आता है? BSI लाइन में चेक करने पर वैल्यू आता है। अगर वैल्यू आता है तो वैल्यू आने का मतलब होता है हमारा ट्रैक सही है। अगर BSI लाइन में चेक करने पर वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब होता है हमारा ट्रैक खराब है। ट्रैक खराब होने का मतलब होता है BSI लाइन में चेक करेंगे तो इसके लाइन में क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस लगा होता है 10 किलो तक का रेजिस्टेंस, 10 किलो, 45 किलो, 46 किलो तक का भी लगा होता है। ये रेजिस्टेंस तुम्हारा पैरेलल पोजीशन में लगा होता है। उसके बाद फिर एक 2 से 3 किलो को हमको रेजिस्टेंस लगा होता है, सीरीज में लगा होता है, डायोड होता है। उसके बाद सप्लाई होते हुए कहाँ चली जाती है? पावर स्टेशन। अगर BSI लाइन चेक करते हैं, BSI लाइन के चेक करने पर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब आपका BSI लाइन खराब हो गया है। BSI लाइन खराब होगा तो BSI लाइन के लाइन में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? तुमको चेक करना पड़ेगा। वो अगर ब्रेक हो जाते हैं और कम वैल्यू के हैं तो जम्पर मार के आप काम चला सकते हैं। अगर वो हाई वैल्यू के उन पर फिर जम्पर नहीं लगेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। हाँ, हटा सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन पर फिर आप BSI लाइन को चेक करेंगे। अगर सैमसंग के मोबाइल फोन में, देखो सैमसंग के मोबाइल फोन में अगर BSI लाइन खराब हो जाती है तो इससे हैंडसेट आपका डेड भी हो जाता है, या मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो मोबाइल फोन चार्जिंग पे चलता रहेगा। फोन जैसे चार्जिंग डाटा केबल या चार्जर हटा दोगे तो मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। ऐसी कंडीशन पर मोबाइल फोन में क्या होता है? BSI लाइन क्या हो जाती है? खराब हो जाती है।
हाँ ये चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर बीएसआई लाइन से करेंगे पावर आईसी, पावर आईसी तक, पावर आईसी के बीच में अगर दे रहा है तो सही है लाइन, अगर नहीं दे रहा है तो फिर अभी अगर यहाँ पर चेक करोगे तो पहले वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू आती है तो मतलब लाइन सही है, वैल्यू नहीं आती तो मतलब लाइन खराब है। हाँ वैल्यू ग्राउंड पे चेक करेंगे, वैल्यू नहीं आती तो इसके ट्रैक में जो कंपोनेंट लगे उनको क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो उधर ये हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग सेक्शन के अंदर जो ये डायोड लगा होता है, ये डायोड कौन सा डायोड होता है, जीना डायोड होता है, कौन सा होता है, जीना डायोड, जीना डायोड जो होता है प्रोटेक्शन के रूप में यूज होता है, किसमें यूज होता है, प्रोटेक्शन के रूप में यूज होता है कि जैसे आपका मोबाइल फोन आता है, मान लिया चार्जिंग की जो सप्लाई है यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पर एक कंपनी डायोड लगा देती है, ये डायोड करंट होने के बाद आईसी भी चला जाता है, कहाँ चला जाता है, तो यहाँ से पहले 5 वोल्ट करंट आएगा, डायोड पे जाएगा, डायोड के बाद आगे जाएगा। अब ये जीना डायोड होता है, जीना डायोड की क्या खासियत होती है, जीना डायोड की ये खासियत होती है कि अगर 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो उसको ग्राउंड कर देगा, 5 से ज्यादा नहीं जाने देगा, मतलब लेवल मेंटेन करके रखेगा, तो 5 वोल्ट ही जाएगा, तो जब 5 वोल्ट ही जाएगा तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जिससे हमारी आईसी क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। अगर कल को आईसी को 5 की जगह पर 6 वोल्टेज भी आ जाएगा तो आईसी तक 6 वोल्टेज नहीं पहुंचेगा, आईसी को 5 वोल्ट ही पहुंचेगा। तो ये जीना डायोड के रूप में ऐसा हमारा कंपनी यूज करती है जो प्रोटेक्शन के रूप में यूज होता है, जीना डायोड, जीना डायोड। अब कैसे पता चलेगा जीना डायोड है, देखो अब मैं ये पूरा चार्जिंग सेक्शन ही वहां पर बना हुआ है, मैं पूरे लाइन को मैं समझाता हूँ। जैसे ये देखेंगे ये तुम्हारा चार्जिंग जैक है, ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर है, ये आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी लगी हुई है, ठीक। अब ये चार्जिंग आईसी देखें, 10 पिन की आईसी लगी है, डॉट लगा हुआ है, तो ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यदि हमारे पास कोई मोबाइल फोन आ रहा है, उस मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, तो चार्जिंग ना होने पर सबसे पहली बात काम क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं होती, तो सबसे पहला काम, सबसे पहली बात फर्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर चार्जर लगाएंगे, क्या करेंगे, चार्जर लगाएंगे। जब चार्जर लगाएंगे तो चार्जर लगाने पर ये पिन जो तुम्हारी प्लस होगी, इधर की पिन क्या होगी, माइनस होगी। प्लस माइनस में जब आप चेक करेंगे तो प्लस माइनस पे चेक करने पर आपको 5 वोल्ट करंट मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। अगर प्लस माइनस में चेक करने पर 5 वोल्ट करंट आता है तो इसका मतलब चार्जिंग जैक सही है, प्लस माइनस में 5 वोल्ट करंट नहीं आता तो उसका मतलब चार्जिंग जैक खराब है, चार्जिंग जैक खराब होगा तो चार्जिंग जैक नया डाल देंगे, नया डालने के बाद तो वोल्टेज आ जाएगा, जब नया डाल देंगे वोल्टेज आ जाएगा, अगर नया डालने के बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं होती फिर भी चार्जिंग की समस्या सेम आ रही है। अब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, चार्जिंग जैक का जो माइनस पिन होता है, माइनस पिन में चेक करने पर क्या आएगी, तुम्हारी बीप आएगी, अगर माइनस वाली पिन में चेक करने पर बीप नहीं आता तो माइनस का लाइन क्या हो गया, खराब हो गया, माइनस का खराब होगा तो माइनस का ग्राउंड पे तुम कहीं भी मार दीजिए आपका कनेक्शन हो जाएगा। प्लस में चेक करेंगे दोस्त तो प्लस में चेक करने पर वैल्यू आएगी, अगर प्लस में चेक करने पर वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में प्लस की सप्लाई खराब हो गई है, या कई बार जैक उतारते समय, जैक चेंज करते समय, मदरबोर्ड से जैक हटाते समय मदरबोर्ड की जो प्लस की सप्लाई होती है उसका प्रिंट खोल जाता है, क्या हो जाता है, प्लस की सप्लाई का प्रिंट खोल जाता है। अगर प्लस की सप्लाई का प्रिंट खोल जाता है तो आप देखेंगे तो इसके लाइन में ये डायोड लगा है दोस्त, क्या लगा है, डायोड, डायोड में अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा माइनस है, ये वाला टर्मिनल क्या होगा, प्लस होगा, अलग से बना हुआ है, ये तुम्हारा प्लस है। तो आप इसके प्लस पॉइंट से उठाकर इसके डायोड के प्लस पॉइंट पर जम्पर मार देंगे तो आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना चालू हो जाएगी। जैक उतारते समय यदि आपका प्रिंट उखड़ जाता है तो प्रिंट उखड़ने का मतलब होता है हमारे मोबाइल फोन में सप्लाई को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस से उठाकर जीना डायोड पर क्या करेंगे, जो डायोड लगा हुआ 2 पिन का, वो डायोड पर हम लोग क्या करेंगे, जम्पर मार देंगे। जैसे जम्पर मार देंगे तो जम्पर मारने से हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। क्यों सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों प्लस की कनेक्टिविटी जो ब्रेक थी वो प्लस की कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, चार्जिंग लाइन से जुड़ जाएगी। अब अगर मान लिया तुमने जम्पर मार दिया उसके बावजूद भी चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि ये डायोड अगर शॉर्ट हो जाता है, कल को कई बार ऐसा देखा गया डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो माइनस में भी पाएगी प्लस में भी पाएगी, डायोड इसलिए ओवर वोल्टेज की वजह से डायोड शॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पर आप मोबाइल फोन में से जो डायोड होता है डायोड को मदरबोर्ड से उतार के बाहर रख देंगे, जब डायोड को मदरबोर्ड से बाहर रख देंगे तो क्या होगा, आपके मोबाइल फोन में जो प्लस की लाइन में डायोड की वजह से जो शॉर्टिंग हो रही थी वो शॉर्टिंग क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी।
और आपका हैंडसेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो माइनस में चेक करने पर क्या आएगी, बीप आएगी। प्लस में चेक करने पर क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अगर दोस्त प्लस में चेक करने पर वैल्यू नहीं आती तो उसका मतलब प्लस का लाइन खराब हो गया है। जब प्लस का लाइन खराब हो गया तो यहाँ तो उठा करके हम लोग प्लस पे जम्पर मारेंगे, प्लस के बाद भी प्रॉब्लम सेम आती है तो ये आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी लगी है। चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 1 पर सप्लाई जाएगी। कहाँ पर जाएगी, चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 1 पर सप्लाई जाएगी। अब चार्जिंग आईसी को जब आप देखेंगे तो चार्जिंग आईसी के पास में क्या लगा होता है, छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर में जब आप देखेंगे तो चार्जिंग आईसी के प्लस उठा के डायोड पे मार दिया, फिर भी दिक्कत है। चार्जिंग आईसी की या तो पिन पे 1 पे मार सकते हैं या तो रिपेयरिंग टिप्स में आपको लिखना है, बाकी सब कुछ चेक करने का तरीका वही है, सिर्फ उसका जो लाइन में लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो चार्जिंग के प्लस पॉइंट से चार्जिंग ट्रैक में लगे डायोड
चार्जिंग ट्रैक में लगे डायोड या इसलिए चार्जिंग ट्रैक में लगे डायोड या आईसी की डायोड या चार्जिंग आईसी के पास लगे कैपेसिटर या चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 1 तक जम्पर लगा दें। चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 1 तक जम्पर लगा दें। पिन नंबर 1 तक जम्पर लगा दें। ठीक है, पिन नंबर 1 पर जम्पर लगा दे। अगला लिखो, बैटरी कनेक्टर के आउटपुट लाइन को चेक करें। बैटरी कनेक्टर के आउटपुट लाइन को चेक करें। लिख लिया, बैटरी कनेक्टर के आउटपुट लाइन को चेक करें। लिख लिया, अगला पॉइंट लिखो, बैटरी कनेक्टर के आउटपुट लाइन को चेक करें। अगला पॉइंट लिखो, बीएसआई लाइन को चेक करें। किसको चेक करेंगे दोस्तों? बीएसआई लाइन को चेक करेंगे। बीएसआई लाइन खराब हो जाती तो भी हमारे फोन में चार्जिंग की समस्या आती, तो हम ऐसी सिचुएशन पर हम लोग बीएसआई लाइन को भी चेक करेंगे। देखो, चार्जिंग स्लो होने का मतलब होता है, जैसे कई बार हमारे फोन में प्रॉब्लम आती है कि बैटरी चार्जिंग स्लो होने लगती है, तो बैटरी चार्जिंग स्लो होने पर सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जैक को चेंज कर देना है। जैक में कार्बन आ जाता है, जिस कारण से वोल्टेज प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तब भी चार्जिंग स्लो होने लगती है। या पूरे बोर्ड को साफ कर देते हैं, बैटरी कनेक्टर में कार्बन आ जाता है, तब भी चार्जिंग स्लो होने लगती है। या आपके मोबाइल फोन में ऐसी समस्या आती है कि आपके मोबाइल फोन में से बैटरी फूल जाती है, बैटरी खराब हो जाती है, तो या बैटरी काफी पुरानी हो जाती है, तब भी हमारे मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज स्टोर होना स्लो हो जाती है। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे मोबाइल फोन में से चार्जिंग आईसी वीक हो जाती है। कई बार डाटा केबल होता है, वो उसकी वजह से भी चार्जिंग स्लो की प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम स्लो है, बैटरी फिर भी नहीं चार्ज हो रही है, सारा सब कुछ करके देख लिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में छोटा सा जीना डायोड लाना पड़ता है। जीना डायोड आता है मार्केट में, 1 रुपए का आता है, 1-2 रुपए का आता है। अब उस डायोड को क्या करना होता है, तुमको चार्जिंग जैक के प्लस से लेकर बैटरी कनेक्टर तक लगाना होता है। देखो, मैं इसी में लगा के दिखा देता हूँ, आप लोग फोटो कैप्चर कर लीजिएगा। या तो आप मोबाइल फोन में जीना डायोड लगा सकते हैं। अगर आप मोबाइल फोन में जीना डायोड नहीं लगाना चाहते, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में से अगर तुम्हारा जीना डायोड आप चाहें तो ला सकते हैं, 1 रुपए का बाजार में मिलता है।
उसमें से आप ये जो डायोड होता है छोटा सा रेड कलर का आता है ऐसे, एक तरफ का हिस्सा ब्लैक होता है, एक तरफ का हिस्सा रेड होता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसके रेड वाले से उठा करके सप्लाई इसमें जोड़ देंगे, इधर से सप्लाई जोड़ करके बैटरी कनेक्टर में जोड़ देंगे, जिससे आपके मोबाइल फोन में से बैटरी चार्ज होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा जी। ये आपका डायोड यूज होता है, कितने पिन का यूज होता है, 2 पिन का। हाँ, हर फोन में जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में इस डायोड का यूज होता है, और यहाँ से 2 पिन का डायोड होता है, डायोड से सप्लाई होते हुए बैटरी कनेक्टर में जाती है। कहाँ पे जाती है जी, ये डायरेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डायोड क्या होगा, अपने अंदर 5 वोल्ट करंट लेगा और 4 वोल्ट समथिंग निकालता है। अब ये 4 वोल्ट जाएगा तो जिससे तुम्हारी बैटरी क्या होगी, चार्ज होना चालू हो जाएगी। आप इस डायोड को निकाल के ऐसे लगा सकते हैं, इसको फोटो कैप्चर कर लीजिए, इससे बैटरी स्लो चार्ज होती है, बैटरी चार्ज नहीं होती, चार्जिंग आईसी खराब हो जाती है, चार्जिंग नहीं बना पाते तो भी हम डायोड से डायरेक्ट चार्जिंग बना लेते हैं, लेकिन इससे भी चार्जिंग शो करना बंद हो जाएगा। हाँ, फिर डायरेक्ट चार्जिंग हो जाए, बैटरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन वो दिखाएगा दिखाएगा नहीं। अगर जीना डायोड नहीं लगाना तो वो भी बता रहा हूँ, रुक जाइए। एसी को बोलते डायरेक्ट चार्जिंग, परसेंटेज निकल, जब बैटरी भर जाएगी तो चुपचाप बढ़ा लीजिए, आधा घंटे का समय होता है, आधा घंटे में बैटरी भर जाती है। ना ना, पॉइंट पॉइंट चलना बंद हो जाता है, क्योंकि आईसी का काम खत्म हो गया ना, फिर डायरेक्ट हो गए। हाँ, इंडिकेशन बंद हो जाए। आप लोगों इधर, अगर मान लिया तुमको डायोड नहीं लगाना, ये जो ऐसे फोन आते हैं डायोड ना लगाना, तो एक काम का और कर सकते हो आप, और ये बहुत अच्छा भी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस ये जो डायोड लगाना है, डायोड को इससे निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस डायोड को निकालना पड़ेगा। ये डायोड को निकालने के बाद, ये डायोड को निकालने के बाद जो डायोड का ये वाला हिस्सा है ना, ये तुमको क्या करना है, ऐसे जोड़ देना है, ऐसे जोड़ देना है, मतलब ये वाला पॉइंट उठा करके ऊपर जोड़ देना है। अब ये जो पट्टी पट्टी वाला लाइन बचेगा ना, ये हो जाएगा प्लस, इधर का हो जाएगा माइनस। अब तुमको यहां से उठा के जम्पर यहां लगा देना, बस। मेरी बात समझ में आई, ये जो डायोड है, ये डायोड को यहां से निकाल लेना है, और निकालने के बाद इसको ऊपर लगा देना है, क्या कर देना है, इसका जो माइनस वाला पॉइंट होता है, इसके प्लस वाले पे आ जाएगा। अब जो प्लस वाला पॉइंट हो जाएगा, जो फ्री हो जाएगा, अब इसके माइनस वाले पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा, 5 वोल्ट आएगा। भाई ये 5 वोल्ट करंट यहां से होता है, वो इस पे आ रहा है ना, तो यही वोल्ट इस पे आ जाएगा, फिर ये डायोड उठा करके तुमको इससे यहां पर जोड़ देना है। इससे क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट चार्जिंग, क्या बोलते हैं, मतलब आप इसी डायोड को इसी में ही इस्तेमाल कर पाएंगे, जो आपके मदरबोर्ड के अंदर जो डायोड है, इसी डायोड को इसी डायोड में से इस्तेमाल कर पाएंगे और आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या होगा, चार्जिंग शो नहीं करेगा, चार्जिंग आईसी बाईपास हो जाएगा, कह रहे हो। हाँ, वो पहले वाला तो डायोड बाजार से लाना पड़ेगा ना खरीद के, इसको बाजार से नहीं खरीद के लाना पड़ेगा, इसको इसी मोबाइल फोन में यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से 5 वोल्ट करंट कहाँ पर जाता है, डायोड पर जाता है, डायोड को होने के बाद फिर जाता, तो ये डायोड तुम्हारा पैरेलल पोजीशन में लगा होता था। अब इसी डायोड को तुमको क्या करना है, मदरबोर्ड से उतार लेना, उतारने के बाद ऊपर की तरफ लगा देना है, क्या करना है, अब ये माइनस वाला पिन खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, लेकिन जो माइनस वाला पिन है वो प्लस वाले पे लगा देना, और जो प्लस वाला पिन है वहां से जम्पर उठाना है, और जम्पर उठाने के बाद बैटरी कनेक्टर का प्लस जोड़ देना है। अगर नहीं जोड़ना चाहते तो उस डायोड को उतार लीजिए, और डायोड का बैटरी कनेक्टर वाला हिस्सा वो इसके बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ दीजिए, और जो इसका माइनस वाला हिस्सा हो जाएगा, माइनस वाले से जंप उठा के चार्जिंग के प्लस से लगा दीजिए, मतलब ऐसे ऐसे इधर जोड़ दिया। अब ये वाला हिस्सा प्लस वाला है, कौन सा हिस्सा है, अब यहां से जंप उठा के यहां जोड़ दिया, मतलब इसको उठा, डायोड को निकाल लो, है फिर
ये जो डायोड लगा है या ये जो डायोड लगा है, डायोड को निकाल लीजिए। इस डायोड को निकालने पर जो बैटरी कनेक्टर इसका जो प्लस वाला हिस्सा डायोड का, वो प्लस वाला हिस्सा बैटरी कनेक्टर का प्लस पे जोड़ दीजिए, और जो माइनस वाला हिस्सा है माइनस वाले हिस्से को 5 वोल्ट सप्लाई से जम्पर से जोड़ दीजिए। यहाँ से जम्पर ले जाना पड़ेगा ना तुमको, क्योंकि इतना बड़ा सप्लाई वहां का से जुड़ेगा जाके, तो वहां से जम्पर से 5 वोल्ट यहाँ लाना पड़ेगा, चार्जिंग हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये डायोड छोटा सा होता है, छोटा सा डायोड जो होता है हमारे मोबाइल फोन के अंदर बड़ा अच्छे से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपके मोबाइल फोन में डायरेक्ट चार्जिंग हो जाएगी। ये जो हम लोग जो सिस्टम समझ रहे हैं, ये मोबाइल फोन में डायरेक्ट चार्जिंग का है। किसका है? मोबाइल फोन में डायरेक्ट चार्जिंग का है। डायरेक्ट चार्जिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, है? क्या कह रहे हो? फिर वो चार्जिंग आईसी खराब है। इसका बाकी सामान का है तो फोन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब फ्री होंगे तब देख लेंगे हम। हाँ लगा सकते हो, रुक जाएगा। हाँ कई, अगर आप ऐसी सिचुएशन पर आपको चार्जिंग जैक को भी मदरबोर्ड में चेंज करना पड़ेगा, और चार्जिंग जैक चेंज करने के बावजूद भी समस्या सेम है और फिर भी दिक्कत आए, तो चार्जिंग आईसी नहीं डालनी पड़ेगी जो डायरेक्ट चार्जिंग दिखाने लगता है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन में चार्जिंग पे लगाओ तो अपने मन से चार्जिंग बताने लगता है, और वो बैटरी चार्ज वार्ज होता नहीं और बैटरी और डाउन हो जाता, तो ऐसी सिचुएशन पर चार्जिंग जैक शॉर्ट होने के बाद भी ऐसा होता है, सैमसंग फोन में ऐसा देखा गया है। तो ऐसी कंडीशन में चार्जिंग जैक को उतार के बोर्ड से फेंक देंगे, और अगर चार्जिंग बंद हो जाती है तो फिर नया चार्जिंग जैक लगाएंगे, आपके फोन में से चार्जिंग होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। नीचे लिख लो, सेट को डायरेक्ट चार्जिंग करने के लिए, सेट को डायरेक्ट चार्जिंग करने के लिए आप सर, आप हमारी ऑफलाइन क्लास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है 6391-7111, आप इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्लास के बारे में बताते हैं कि आपको क्लास में कैसे क्या क्या सारी चीजें सीखने के। अगर आप मोबाइल फोन पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6391-7111, 6391-2111 इसी नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। बच्चे काम वो कहाँ है? काम वो लेने गए थे, ठीक है, ये अभी डेट में ही काउंट होगा। लिख लिया, क्या लिया? सेट को डायरेक्ट चार्जिंग करने के लिए जीना डायोड का उपयोग करें। लिख लिया, सेट को डायरेक्ट चार्जिंग करने के लिए जीना डायोड का उपयोग करें। क्या करेंगे? अगर आप मोबाइल फोन को डायरेक्ट चार्जिंग करना चाहते हैं तो जीना डायोड है, वो जीना डायोड का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है, उसको फिट करने में दिक्कत आती है, ये छोटा डायोड होता है वो जल्दी फिट हो जाता है। हाँ होता 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 तुम फिट करके देख लेना, जो तुमसे अच्छे से फिट हो जाए उसको फिट कर देना। हाँ आता आता, मैंने दिखाया था, थोड़ा लंबा था।
आता आता है डैश आने करके। देखो